तो कैसे हो? देखो सीन ये है, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल देखा तो आपको पता होगा कि मैं यूट्यूब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी उससे लिया नहीं है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने यूट्यूब की जो भी इनकम आई है उससे अपना एक पहला गिफ्ट लेने। तो मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी बहुत बेसिक कपड़े में तो पहले रेडी होता हूँ, फिर मिलते हैं। तो रेडी हो चुका हूँ मैं, मैंने बेसिक्स पहन रखे हैं, एक स्वेटर है, अंदर शर्ट है, एक प्लेन सी वॉच, उसके अलावा नीचे जीन्स और वाइट शूज़। तो बेसिक है, बहुत सही है, मुझे बेसिक ही लुक पसंद है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं DB सिटी मॉल, तो वहीं पे मिलते हैं, जो भी सीन होगा वहीं देखते हैं। चलो हाय। हेलो, यहाँ भी ठंडी लग रही है आपको? अभी निकाल दो टोपा, कम से कम निकाल के रखूंगा। पालों की पैसे कैसी हो गई है? देख रहा 46,900 है। ओ वीडियो बना रहे हैं, बस ऐसे ही बना रहे थे सर। रख लीजिए अभी, रख ले। मैकडॉनल्ड्स नहीं मिला, मोबाइल क्या बोलते हैं, आईपैड। चलो अभी कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, सबकी भी ले ले। तो ये तो देख ही लिया होगा कि हम लोग गए थे एप्पल स्टोर, क्या तो सीन ये हुआ कि एप्पल में एक ऑफ़र है जिसमें आपको 3,000 रुपीज़ ऑफ़ मिलता है। उसके लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया था, बट उनका डेबिट कार्ड यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए शाम को एक और भैया हैं वो आएंगे एंड हम लोग उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे HDFC का, और फिर उस ऑफ़र को अवेल करेंगे एंड हम लोग अपना प्रोडक्ट लेंगे। अभी मैं आ गया हूँ घर, यहाँ पर सेटअप पीछे दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ, ये पीछे सेटअप दिख रहा होगा। तो अभी करने वाला हूँ मैं शूट मेरी एक वीडियो का एंड वो थोड़ी देर में आएंगे, तो फिर हम लोग उनसे मिलते हैं और तब तक मैं शूट कर लेता हूँ। तो सीन्स ऐसे हैं, रात हो गई है एंड अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं DB सिटी, देखते हैं क्या सीन होता है। भैया आ गए लेने के लिए, इधर उनकी कार खड़ी हुई है, तो जाते हैं। थोड़ी लाइटिंग मुझे सही मिल नहीं रही है, फिर भी ये ठीक है। तो जाते हैं DB सिटी एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप कि आज मैं ले लूँ जो मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ इतनी भीड़ है, पहुँच गए हम लोग DB। ओके सो दिस वॉज माई फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम YouTube। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं YouTube काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ एंड ये पहली चीज़ है जो मैंने अपने YouTube से खुद के लिए परचेज़ की है। मैं आपको ये बस उतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से करते हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, अगर आपको कोई भी काम पसंद है करना तो बस उसको करते रहो, किसी ना किसी दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे फेलियर्स आते हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहते हो तो आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी ही।